Hey guys, welcome back to my new YouTube video. अपने दोस्तों कैसे हो आप सब? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे. तो गाइस अभी हम आए कुछ खाने के लिए. तो गाइस अभी हम कुछ खाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे. अभी दर्शन वर्शन कर लिए, बाकी रिक्स के गेट पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे पुष्कर या फिर जयपुर. इन दोनों में से एक जगह जाएंगे. अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है. ये आपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लिया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ. मैं स्मार्ट लग रहा था गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ. बाकी फुल लुक रहा, बाकी मैं फॉर्मल भी लाया था, लेकिन थोड़ा बारिश वाला माहौल हो गया है और कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब गंदगी हो रही है थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे बारिश की वजह से. इस वजह से ना मैंने फॉर्मल पहन ली. अगर कोई अच्छी जगह जाएंगे तो मैं फॉर्मल जरूर पहनूंगा. ठीक है, बढ़िया लगता है तुम्हारा भाई फॉर्मल. तो गाइस यहाँ पे हमारी रस्सी आ गई, पाव भाजी आ गई, छोले भटूरे आ गए, वड़ा पाव आ गया, बाकी और भी फास्ट फूड आ रहा है. और चापो 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 नो ना देख, लस्सी में से पाइप कैच लिया उसने. देख 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 लोग आए थे तोरण द्वार, यहाँ वीडियोस वगैरह बनाने, कुछ वीडियोस वगैरह बना ली. अब जा रहे हैं होटल, फिर होटल से करेंगे चेकआउट वगैरह ये सब. आगे यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ और काफ़ी ज़्यादा सुबह इतना वो मौसम हो रहा था बारिश वाला, और अब एकदम धूप निकली बड़ी एकदम कड़क. आप लोग भी दर्शन कर लो हमारे साथ साथ. बस होटल में हो रही था गाड़ी से उतर ही नहीं आती. वाह भाई उतर जाओ, होगी गुड मॉर्निंग, होगी नींद पूरी. चलो चले भाई, पूरे रास्ता सोता हुआ है बंदा, सबका ढूंढ रहे कहाँ गए. हर जगह पार्किंग में लगानी पड़ती है गाड़ी. हम तो जहाँ गाड़ी खड़ी थी पहले बाहर निकलो रोड. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में. थैंक यू बाय. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में. अभी हम मे बी जयपुर के लिए निकल रहे हैं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट हाँ मे बी जयपुर के लिए निकल रहे हैं. और सब नहा नहा के रेडी हुए हैं क्योंकि गाइस गर्मी इतनी है. हम लोग अभी वहाँ गए थे, वो जो गेट बन रहा है यहाँ पे मेन, हम सब वहाँ गए थे. और दिव्या दीदी नहाई, मैं नहाई, प्रेरणा नहाई, और फिर अब हम सब चल पड़े हैं. वो सारे हैं उस गाड़ी में, हम सारे चल रहे हैं दूसरी गाड़ी में. और चलो दिव्या दीदी, जब से आई है ना आपने मुझे एक अठन्नी की भी चीज़ नहीं खिलाई है. बार बार एक बात मार रही हो, 500 का छुट्टा नहीं है, 500 का छुट्टा नहीं है. नहीं यार ये आइसक्रीम नहीं खाते क्या लोग? तो गाइज हम लोग आ चुके हैं जयपुर क्योंकि सबका मन कर रहा था और सबको थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी. तो हमने कहा चलो चलते हैं जयपुर क्योंकि पास में ही था. तो फिर हमने कहा चलो एक दो चीज़ें देख भी लेंगे और हो आते हैं जयपुर भी. दोबारा दोबारा आने का टाइम तो लग नहीं पाता. तो वो सब लोग हैं दूसरी गाड़ी में. गाइज सब लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और पुनीत और जीजू की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है बिकॉज इन दोनों बेचारों को तो रेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा. सुबह भी होटल लिया था तो वो भी हम थोड़ा बहुत रुके, फ्रेश हुए और उसके बाद हम वापस चले गए थे. तो अभी बस हम पहुँच गए हैं और देखते हैं अब हमें कहाँ जाना है क्योंकि जीजू नहीं पीछे रह गए हैं, वो आ रहे हैं, वो भी आ जाए फिर डिसाइड करते हैं कहाँ जाएंगे और फिर आपको भी दिखाते हैं. बाकी भूख भी लग रही है सबको, कुछ खाएंगे कुछ पियेंगे ठंडा ठंडा क्योंकि गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है. बट हाँ गाइस रास्ते में हमें अभी शरबत पीने को मिला था एक आच्छी की वजह से ना. कल भी जब मैं तो कल पिया था जब मेरे वजीराबाद में मैं थी तब मैंने पिया था मेरे घर के बाहर ही. अभी फिर सब हम लोग रुके हैं यहाँ अग्रवाल पे खाने के लिए और फिर हमने का अंदर बैठ के ऐसे लग रही जैसे बिग बॉस में जाते हैं. चलो गाइस हम रुक गए यहाँ, मैडम ने लिए पेस्ट्री अपने लिए, एक है स्ट्रॉबेरी और एक लिए इसने पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और एक पाइनएप्पल दो पेस्ट्री लिए.
घूमने के लिए मजे से खा रही है। यार अब हम लोग आ चुके हैं हवा महल और ये रहा हवा महल, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए कुछ था, मुझे बैग बहुत पसंद आया बट अभी हम लोग उतर नहीं रहे हैं। कोमल कोमल देख ये हवा महल है, फोटो लेनी है तो बता दे, मैं रोक के तेरी फोटो ले लूंगी यहाँ पे। और सी गाइस मार्केट, आप लोगों में से कोई जयपुर में से है या नहीं बताना ज़रूर, और या फिर आप लोग भी घूमने आते हो तो आपको जयपुर में सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है कमेंट करके बताना। बाकी चलो अभी तो हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि प्रेरणा को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। चलो और कोमल को देखो गाइस नींद में हो रही है, देखो गाइस आप जयपुर नगरी को एम्बुलेंस गाइस। और अभी हमारा 500 रुपए का चलान कट गया, प्रेरणा ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी इस वजह से। जीजू नी ये आ रहे गाइस, ये रहे जीजू, मेरे जीजू थप्पड़ दिखा रहे हैं मेरे को गाइस। दोनों गाड़ियां चमका रहे हैं। हम आ गए जल महल और यहाँ हवा देखना गाइस फिर से चलते। इन्होंने करी इतनी सारी शॉपिंग, नहीं नहीं इतनी सारी कुर्तियां ली इन्होंने दोनों ने मिलके। अमेरिकन कर दो भैया इतनी सारी कुर्तियां पैक। और भी है देख यहाँ पे इनकी शॉपिंग चल रही है अभी भी जल महल में। आए और कुछ ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ भी रेट भाव लग रहा है गाइस। और मैडम भी देख रही है कि मेरे को भी कुछ पसंद आ जाए, ये देखो हाँ क्या देख रही थी बारीकी से झुमके गाइस ये देखो हाँ भाई। तो गाइस जब हम कहीं खाने पीने के लिए रुके क्योंकि नींद की झपकियाँ भी आने लगी है क्योंकि दो तीन दिन हो गए कंटिन्यू जगते हुए सो ही नहीं। तो आ जाओ भाई साहब आ जाओ। हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ी देर और नींद आ रही थी गाइस बहुत ज़्यादा पुनीत को, पुनीत से और गाड़ी नहीं चल रही थी तो इसीलिए अब हम लोग रुके हैं थोड़ी देर ताकि पुनीत को भी रेस्ट मिल जाए। बाकी सब लोग यहाँ पे रेस्ट ही कर रहे हैं, ऐसे पुनीत को जब तक लेट है तो मम्मी तो बोल रही है अंदर चलने के लिए। क्या खरीदू
प्रॉपर्टी खरीद। अच्छा, और इस हाईवे पे बनेगा अभी ढाबा हमारा भी। अच्छा, ढाबे का नाम रहेगा यूट्यूबर्स ढाबा। और महीने में 4 दिन संडे के संडे सब तुम प्रेरणा पम्मी तू सब यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और खाना रखेंगे हम रीजनेबल, लूट मचा रखे इन्होंने, बताओ ये चावल बच्चा रो रहा है 350 रुपए। मतलब गरीब आदमी ना वैसे बहुत गलत है, अगर कोई हमारा मैसेज पहुंच जाए गरीब आदमी है ना रास्ते में कुछ खा नहीं सकता, बताओ। मैंने खुद चंदा उगाया है ये देखो ऊपर से ये लड़कियां प्रमोशन के लिए जो खड़ी करी हुई है इधर। तो गाइस चल रही है खाना पीना खा के, रोड देखो कितनी अच्छी है, रोड देखो कितनी बढ़िया, असली बात नहीं बताएगा आंटी मुझे ड्राइव सिखा रही है। हां गाइस आंटी मेरे को गाइड कर रही है कैसे कैसे चलानी है गाड़ी, 220 की स्पीड है तो 280 पे चलानी है। 220 की स्पीड है तो 220 में तो हर कोई चला लेगा। हां 280 तक चलाओ, मतलब हुनर दिखाओ अपना। नहीं ये एक जोक था आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड पे चलानी है। कई बच्चे का आंटी ने बोला और चला डाले, बच्चे सीरियस ले लेते मेरी बातों को, दिल पे ले लेते हैं। और वहाँ पे खाना इतना अच्छा था ना बच्चों, सच में पैसे वसूल हो गए। पर एक दुख हुआ वो जिस बंदे ने हमें कटोरी की हामी भरी थी बिल के टाइम आया नहीं है ना, उसको आना चाहिए था उसने, पता बहन जी आप सच बताओ उसने क्या बोला था कि प्लेट छोड़ के सब कुछ आपका, तो कटोरियां भी हमारी हुई ना। अब क्या कर सकते हैं, और अब हम जल्दी यहाँ पे हाईवे पे एक प्लॉटिंग कटवाने वाले हैं और उस पर हमारा ढाबा जैसे कि मैंने बताई थी पुनीत के ब्लॉग में आपको, तो आप बताना कि किस रूट पे बनाए हम, ऋषिकेश हाईवे पे बनाए या मथुरा वाले हाईवे पे या इस हाईवे पे, बस कमेंट करके बता देना बच्चों उम्मीद के ब्लॉग में ढेरों सारे किस हाईवे पे ले। ये हमारा सच में प्री प्लान है प्रेरणा का फ्यूचर के लिए, तो उसने ऐसा सच में पहले से सोचा हुआ, तो आप मुझे ये बताना किस हाईवे पे बनाए, देखा पूरा ब्लॉग ही बना डाले। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस हम लोग आ गए थे सुबह 4 बजे करीब घर, उसके बाद भाई मैं तो सो ही गया था, तो अब उठा हूँ 12:30 उठ गया हूँ, तो बस थकान हो रही है, अभी घर जाऊँगा रहूँगा। गुनगुन ने मेरे को घर जाने दिया, कह रही है रुक तेरे को नींद आ रही है, बाल वाल भी देख लो कैसे हो रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं घर और इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो साले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।